देखिए, समाजवादी पार्टी के डीएनए में ही अपराध, अपराधियों को पोषण करना, उनको संरक्षण करना रहा है। माननीय अखिलेश जी ने पहले ही आशंका जाहिर कर दिया था, इसलिए डीएनए टेस्ट का मांग भी किया था। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपको अयोध्या का भदरसा गैंगरेप मामला तो याद ही होगा, जिसमें सपा नेता मोईन खान को आरोपी ठहराया गया था। तब से इस मामले में लगातार छानबीन चल रही थी और इसी कड़ी में आरोपी मोईन खान का डीएनए टेस्ट कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट आ गई है। और इस रिपोर्ट में ये साफ लिखा गया है कि आरोपी मोईन खान का डीएनए मैच नहीं हुआ है। इस रिपोर्ट के आते ही सत्ता पक्ष और सपा में मानो जुबानी युद्ध छिड़ गई हो। अब सपा नेता मोईन खान के आवास पर बुलडोजर एक्शन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि हर अपराध के पीछे सपा के नेता ही होते हैं। सैंपल मैच ना होने पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश में कोई भी घटना होती है तो समाजवादी पार्टी का कोई ना कोई नेता उस घटना के पीछे होता ही होता है। आप भी सुनिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के डीएनए में ही अपराध, अपराधियों को पोषण करना, उनको संरक्षण करना रहा है। जब जब सपा ताकत में आई है, ताकत मिलने की उनको सूचना प्राप्त हुई है, वो पूरी तरह से लाइन ऑर्डर को ध्वस्त करने वालों को प्रमोट करते हैं। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करते जा रहे हैं। आज पूरे राष्ट्र में उत्तर प्रदेश राज्य की कानून व्यवस्था नंबर एक पर है। वहीं अब समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इस मामले में प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। सांसद अवधेश प्रसाद का कहना है कि राज्य और देश के मुसलमानों के प्रति सीएम योगी आदित्यनाथ की मानसिकता बहुत ही निराशाजनक है। इसके साथ ही वो मोईन खान के घर हुए बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जहाँ तक मोईन जी का है तो हमारे नेताजी ने, माननीय अखिलेश जी ने पहले ही आशंका जाहिर कर दिया था, इसलिए डीएनए टेस्ट का मांग भी किया था। लेकिन अफसोस है कि पता नहीं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय बाबा जी आदित्यनाथ जी की विचारधारा इस प्रदेश के और देश के मुसलमानों के प्रति ऐसी विचारधारा क्यों है, ऐसी नाराजगी क्या है, ये बात समझ के बाहर है। बता दें कि अयोध्या में नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार मामले में पुलिस ने मोईन खान और राजू खान को 30 जुलाई को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार दोनों ने नाबालिग के साथ रेप किया, अश्लील वीडियो भी बनाया। घटना का खुलासा तब हुआ जब नाबालिग के गर्भवती होने का खुलासा हुआ। इस मामले में मोईन की गिरफ्तारी और उसके तार समाजवादी पार्टी से जुड़े मिले। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।